नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों फाइनली एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया, जिसका हमें बहुत समय से इंतजार था। दो बार इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, एक आज सुबह जिसके अंदर ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में वही चीज बता रखी थी जो पहले वाले शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताई थी। उससे हमें पता चल गया था कि 14 सितंबर से फॉर्म ओपन हो जाएंगे और हम फिल कर सकते हैं ग्रेजुएट लेवल के, मतलब लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के 21 सितंबर से, जिसके अंदर हम बाकी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े दिन के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो उसको भी आप फिल कर सकते हो अलग से। अभी इसके अंदर आप सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट फिल कर सकते हो, लेवल 5 और लेवल 6 की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो की, कैसे कैसे क्या चीजें नोटिफिकेशन के अंदर आई हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर जान लेते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं खासकर रेलवे एग्जाम्स की, तो आप किरण पब्लिकेशंस की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि किरण पब्लिकेशंस एक माना जाना नाम है और इनकी बुक्स काफी अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी और अच्छा मटेरियल इनका होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये बुक्स आप एक बार देख सकते हैं अपनी तैयारी के अंदर। देखो, हमको पता है कि एनटीपीसी के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, तीन तीन मैथ्स हो गया, एक हो गया हमारे पास जीएस, और तीसरा हो गया हमारे पास रीजनिंग। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स की ये बुक लेते हो, रीजनिंग की बुक लेते हो और जीएस की बुक लेते हो, तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है इन बुक से, क्योंकि इन बुक्स के अंदर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन सा चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस एग्जाम्स के बेसिस पे ये वेटेज बता रखे हैं कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन किस तरह के टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जब वो आपको पहले से पता होगा, तो आप अपनी तैयारी उस के अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स की बुक में आपको 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, टीसीएस की इसी तरह से रीजनिंग के आपको इसके रीजनिंग के आपको 8700 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जीएस के आपको 3800 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको सबको कवर किया गया, तो अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हो इस बुक में से, तो आपकी तैयारी काफी बेहतरीन हो जाएगी। 1996 से अब तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ऑलरेडी अगर आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हो, आपकी एक अच्छी तैयारी है और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हो इन दो बुक से, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में आपको 60 शिफ्ट्स मिल जाएंगे, 60 सेट मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और अगर ये भी आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आप वॉल्यूम 2 इनकी परचेस कर सकते हो। इन सब बुक्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप जाकर इनको ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो। क्लियर, तो इन बुक्स को अगर आप करते हो, तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें हाईलाइट कर ली है जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है। ठीक है, देखो एनटीपीसी, अब यहाँ पर जो पहली चीज आती है नोटिफिकेशन के अंदर जिसपे हमें ध्यान देना है, सबसे पहले डेट की, डेट हमारी कब इसकी लास्ट डेट है, कब तक हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कल से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और आप 13 अक्टूबर तक इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट तक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है उनको, अभी 3-4 दिन बाद सारी चीजों को समझकर, पोस्ट प्रेफरेंस को समझकर इस फॉर्म को फिल कर देना, और पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो, हमें पता है कि लेवल ग्रेजुएट लेवल की सिर्फ दो ही पोस्ट आती है इसमें, लेवल 5 की और लेवल 6 की। लेवल 6 की हमारी दो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की और दूसरी कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसी तरह लेवल 5 के अंदर 3 पोस्ट आती है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, 5 पोस्ट के लिए ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, इन 5 पोस्ट की ही आपको प्रेफरेंस इस फॉर्म के अंदर देनी है। इसके बाद अगर हम देखें कि कौन से लेवल की पोस्ट है, 6 लेवल की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और सीसीटीएस, और बाकी जो 3 पोस्ट है लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है, इसका बेसिक पे होता है 35,400 और लेवल 5 का बेसिक पे होता है 29,200। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड काफी जरूरी है, मेडिकल के बेस पे काफी बच्चे बाहर होते हैं रेलवे के अंदर, तो सीसीटीएस के लिए B2 चाहिए, स्टेशन मास्टर के लिए A2 चाहिए। ठीक है, A2 सबसे ऊपर आता है, इसके अंदर काफी आपकी जो आई साइट है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, और फिर A2 गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी, और C2 चाहिए आपको जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क। इसके अंदर लगभग सभी पास हो जाते हैं, तो इसके अंदर कोई इतना वैसा काम नहीं है, आप इजिली इसको पास कर लोगे, अगर आपका चश्मा भी लगा हुआ है तो C2 कैटेगरी में सब आ जाते हैं। एज जो है हमारी पहले 18 से 33 होनी चाहिए, लेकिन इसको 36 साल तक रखा गया है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो टाइम खराब हुआ था बच्चों का, उस वजह से 3 साल एक्स्ट्रा रखे गए हैं, तो 36 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और वैकेंसी देखो सबसे ज्यादा किसके अंदर है, सीसीटीसी सीसी टीएस के अंदर है, और
स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसी है। तो लेवल 6 की जो पोस्ट है इसके अंदर आपको सीसीटीएस को ऊपर रखना, ध्यान रखना, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में चीजें बताई है क्यों। और उसके अलावा गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144, 1507 जूनियर अकाउंटेंट की और सीनियर क्लर्क की 732, तो टोटल 8113 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जो है आया है, ठीक है। उसके बाद हम जरूर जरूर चीजें देखेंगे, बाकी मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आपको जरूरत लगेगी, इसमें सारी छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो वो बच्चे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें जिनका जो है एजुकेशन फाइनल रिजल्ट नहीं आया अभी तक। फाइनल रिजल्ट के अंदर आप देखोगे फाइनल जो सेमेस्टर है उसका रिजल्ट जो आया वो आपका फाइनल रिजल्ट है, ये नहीं कि जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला, ठीक है, मतलब वो डिग्री मिली है या जो भी आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन में, तो उसका जो सर्टिफिकेट मिला है वो आपका काउंट नहीं होगा। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया, जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट आपका काउंट होता है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो आप अपना अकाउंट बनाओगे इसके अंदर, उसके अंदर जो मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, उसको पूरे टाइम तक, जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं होता, आपको वो सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि सारे के सारे कम्युनिकेशन आरआरबी आपसे उसी वेबसाइट पे करेगा, ठीक है। एक से ज्यादा आरआरबी के लिए गलती से भी मत अप्लाई कर देना, अगर आपने कर दिया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ अलग मॉडिफिकेशन करके दूसरे नाम से, दूसरी ईमेल आईडी से, दूसरे फोन नंबर से भरने की कोशिश करते हैं और रेलवे को पता चल गया किसी तरह से, तो आप भी रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। हाँ, और देखो कोई भी चीज आपको बाय पोस्ट नहीं भेजनी है इनको, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, आपको सारी चीजें ऑनलाइन फिल करनी है ऑनलाइन। अब देखो ये चीज बहुत जरूरी है, इस चीज को देखना, यहाँ पे बोला है इन्होंने तीन पैरामीटर्स जो है आपके चेंज नहीं हो सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है। एक तो आरआरबी, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन तीन चीजों को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, एक बार फॉर्म फिल करने के बाद सेम रहेंगे। ये वो तीन चीजें हैं जो आप अकाउंट बनाते हो ना, क्रिएट एन अकाउंट जो आता है उसके अंदर जो चीजें पूछी जाती हैं वो तीन चीजें, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी, इसके अलावा आपके फॉर्म जब तक ओपन है तब तक आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो, 13 अक्टूबर में फॉर्म आप लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर सकते हो उस दिन तक। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है और आप चाहते हो कि उसको चेंज करना, तो इसके अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन इस तारीख से पहले ही चेंज करना है आपको, क्लियर हुआ। इस तारीख से 13 अक्टूबर से पहले ही उसको मॉडिफिकेशन को करना है। आरआरबी जेई के अंदर अलग से 10 दिन दे दिए थे, अलग से 10 डेज दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है आपको तो 13 तारीख से पहले करनी है, और उसके लिए अलग से मॉडिफिकेशन फी लगेगी, ठीक है। आरआरबी जेई में 250 रुपए लगी थी, इसके अंदर देखने कितनी लगेगी, यहाँ पर लिखा नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा ना बाय पेइंग मॉडिफिकेशन फी। इसके अलावा कि अगर आप एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हो एक बार फिल करने के बाद, तो वो भी नहीं होगा, क्लियर। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने 2024 में जितने भी नोटिफिकेशन रेलवे के आए हैं, सीईएन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, जैसे पहले आया था एएलपी का, फिर टेक्नीशियन का, फिर पैरामेडिकल का, फिर जेई का, तो जितने भी आए हैं आरपीएफ का, उनमें से अगर किसी भी फॉर्म को आपने फिल किया है तो आपने अपनी डिटेल्स डाली होंगी, अपना अकाउंट बनाया होगा, तो आपको सिर्फ लॉग इन करना है और इसके लिए अपनी जो एनटीपीसी की पोस्ट है इनके लिए अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा है, अपने अकाउंट नहीं क्रिएट कराया, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर जाकर पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और डिटेल्स को अपना बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि कुछ भी चीज अगर आप गलत भरते हो तो वो दोबारा से मॉडिफाई नहीं होगी क्रिएट एन अकाउंट के अंदर, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट में तीन चीजें आएंगी आपकी, कौन कौन सी, अभी हमने देखा ऊपर, चूजन आरआरबी, आरआरबी चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। चलो, इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है हमारे पास कि इसके अंदर दो टेस्ट और होते हैं, एक तो टाइपिंग टेस्ट होता है और एक होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सब पोस्ट के लिए नहीं होते, टाइपिंग टेस्ट होंगे आपके जूनियर अकाउंटेंट वाली पोस्ट जो थी, और एक तो आपकी सीनियर क्लर्क वाली पोस्ट जो थी, इन दोनों के ऊपर आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट, और सीबीएटी होगा आपका स्टेशन मास्टर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, स्टेशन मास्टर के लिए सीबीएटी, और टाइपिंग टेस्ट जो होगा सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए होगा। तो इनके लिए आपको तीसरी स्टेज पे भी जाना पड़ेगा और इन टेस्ट को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर या सीसीटीएस के लिए क्वालिफाई होते हो तो सीबीटी 2 के बाद सीधा आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है, डीवी के लिए, डीवी और मेडिकल के लिए। इसके अंदर आपको एक स्टेज और क्लियर करनी पड़ेगी, टाइपिंग स्किल, टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आप डीवी में जाओगे, इसके अंदर आप सीबीएटी क्लियर करने के बाद स्टेशन मास्टर में, तब आप जो है डीवी के अंदर जाओगे। अब कितने टाइम्स बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्टेज 2 के लिए, ठीक है, तो सीबीटी 2 के लिए जितनी पोस्ट है उसके 15 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, क्लियर हुआ। तो मतलब जितनी पोस्ट है उसके 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 देने के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा उनमें से जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट चाहिए और सीबीएटी होना है स्टेशन मास्टर के लिए, उस वाली स्टेज पे जाने के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्लियर हुआ। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर है और सीसीटीएस, उसके अंदर तो कोई थर्ड स्टेज है ही नहीं, तो जितनी
पोस्ट है उतने ही बच्चों को डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को, अगर 10 पोस्ट है 10 बच्चों को। लेकिन अगर स्टेशन मास्टर के लिए बुला रहे हैं बच्चों को वो, और जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क के लिए बुला रहे हैं, तो वो 8 टाइम्स बुलाएंगे, मतलब 10 पोस्ट है तो 80 बच्चों को बुलाएंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे थर्ड स्टेज पास करनी होगी। जब डीवी में पहुंचेंगे ये वाले बच्चे, स्टेशन मास्टर और अकाउंटेंट वाले, तो उनको भी उतने ही गुना बुलाया जाएगा जितने गुना जो है आपका पोस्ट है। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहने वाली है। आगे चले, अगर हम यहाँ पर आप देखोगे कि वही लिखा हुआ कि आपका जो है रिजल्ट इतने आ जाना चाहिए जब तक ये एग्जाम की डेट खत्म हो रही है, 13/10/2024, 13 अक्टूबर से पहले आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, जो भी आप ग्रेजुएशन की कर रहे हो जिसके अंदर भी, उसका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है? वही लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ माइनर चेंजेस करने की करके किसी दूसरी आरआरबी से अप्लाई कर देते हो या एक से ज्यादा एप्लीकेशन कर देते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, ज्यादा चालाकी मत दिखाना, रेलवे आपसे ज्यादा चालाक है। ठीक है? इसके अलावा आपको नाम वही फिल करना है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपके 10th की 10th 12th की मार्कशीट के अंदर है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अंदर है, इसको चेंज मत करना। इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, फिर बाद में इनको एफिडेविट बना कर देना पड़ता है इसके लिए डीवी के टाइम पे। ठीक है? मेडिकल स्टैंडर्ड, वैकेंसी पोजिशन, ये सब आप देख लेना इसके अंदर, दे विल। चलो आगे देखते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं इसके अंदर जल्दी जल्दी। हाँ देखो, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको एग्जाम देने के लिए ट्रेन, अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको स्लीपर का क्लास का फ्री में पास मिल सकता है, तो उसके लिए एक ऑप्शन आएगा, आपको उसको इंडिकेट यस करना है जब आप फॉर्म फिल करोगे। ठीक है? तो वहां पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, और वहां पर वो आपसे स्टेशन का नाम भी पूछेगा, तो आपको करेक्ट स्टेशन का नाम देना है। तो आप SC ST अगर हो तो आप फ्री में अपने, अगर दूसरी स्टेट के अंदर आपको जाना पड़े एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर भी जा सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है किसकी, ये देखो हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स होगा, 4 मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसको आप पढ़ लेना, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ये हर पोस्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है? देखो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी कभी भी लेजर ऑपरेशन हुआ है, लैसिक सर्जरी आपकी हुई है, तो आप A2 और A3 कैटेगरी से बाहर हो जाओगे, मतलब उन सभी पोस्ट से बाहर हो जाओगे जिन पर A2 और A3 कैटेगरी चाहिए। क्लियर? किसके अंदर चाहिए थी हमें, अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमें A2 चाहिए, मतलब आप स्टेशन मास्टर से भी बाहर हो गए और गुड्स ट्रेन मैनेजर से भी बाहर हो गए, बाकी 3 पोस्ट के लिए ही आप एलिजिबल बचे। B2 से भी बाहर हो गए थे ना शायद? हाँ, तो इससे ही बाहर हो गए, 2 ही पोस्ट बचेंगे आपकी। B2 से नहीं हुए, एक बार देखते हैं। देखो A2 और A3 से हुआ, B2 से नहीं हुआ। ठीक है? मतलब 2 पोस्ट से आप बाहर हो गए। इसी तरह से लासिक सर्जरी अगर कर रखी है तो आप सिर्फ इन्हीं 2 पोस्ट की, जो जिन जिन पोस्ट पर, इन मेडिकल कैटेगरीज को चाहिए B2 C2, उन्हीं पोस्ट पर आप एलिजिबल हो। क्लियर? आगे अगर देखें तो आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 18 से 36 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, मतलब अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1989 के बाद में हुआ है। ठीक है? जनरल और EWS के लिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, OBC के लिए 1986 के बाद, और SC ST में 1984 2 जनवरी इसके बाद हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है हमको, SC ST में 5 की मिलती है, सब हमको पता ही है, तो इन सबको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी से अगर फॉर्म फिल किया है तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है? अगर आप SC ST OBC हैं लेकिन आप चाहते हो कि मैं अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, या आपका किसी वजह से सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो अनरिजर्व से फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है? जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया वो नहीं, इसको अभी नहीं भर सकते, यही लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन फी आपकी ₹500 लगेगी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए और फीमेल के लिए जो है आपके ₹250 लगेंगे, और अगर आप CBT 1 का एग्जाम देते हो तो ये ₹250 आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, और इस केस में आपको ₹400 रिटर्न कर दिए जाएंगे अगर आपने CBT 1 का एग्जाम दिया। ठीक है? पेमेंट आप कर सकते हो इसकी 15 अक्टूबर तक, फॉर्म फिल करे जाएंगे 13 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक आप इसकी पेमेंट को कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा आप जो चीज बच गई इंपॉर्टेंट वो आ गया पैटर्न, इसका एग्जाम का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। ये आ गया, तो देखो फर्स्ट स्टेज CBT जो होगा वो सारी पोस्ट के लिए कॉमन होगा, ध्यान रखना 5 पोस्ट है इसके अंदर, 5 पोस्ट के लिए कॉमन CBT होगा आपका, जिसके अंदर 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मैथ के, और 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। ठीक है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी बुक्स के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आप उसको कर लेना। PWBD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स होंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो एक बहुत अच्छी नेगेटिव मार्किंग है कि आप तुक्के मारोगे तो आप लॉस में ही जाओगे। ठीक है? फर्स्ट स्टेज में नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा, और उसके बेस पे सेकंड स्टेज CBT के लिए 15 गुना बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्लियर?
सिलेबस आपको दे ही रखा है, मैथमेटिक्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया और जनरल अवेयरनेस का हो गया। अब अगर सीबीटी टू की बात करेंगे ना, सीबीटी टू के अंदर 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और सीबीटी टू का सिलेबस लगभग 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 क्या पूरा ही सेम होता है, ठीक है, पूरा सेम सिलेबस होता है। बस यहाँ पर 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने थे और यहाँ पर आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हुआ? चलो, यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव रहेगी, सिलेबस वही रहेगा सेम, मैथमेटिक्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। क्लियर? स्टेशन मास्टर के लिए आपको सीबीएटी देना पड़ेगा सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करने के लिए, ये मैंने बताई दिया। इसके अंदर एक टी स्कोर होता है सीबीएटी के अंदर, उसके अंदर आपको 42 मार्क्स चाहिए चाहिए। और जो स्टेशन मास्टर के लिए सीबीएटी के लिए क्वालिफाई करेंगे उसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। क्लियर? टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको कितनी स्पीड चाहिए, आपको 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए अगर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है और 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए अगर आपकी हिंदी की टाइपिंग है पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। ध्यान रखना इस चीज का। और देखो यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए, तो 2 पोस्ट के अंदर सीसीटीएस और दूसरी कौन सी थी, ट्रेन मैनेजर, इनके अंदर तो डायरेक्ट सीबीटी टू के बाद, सीबीटी टू के बाद क्या होना है डीवी। तो जितने गुना पोस्ट है उतने गुना, जितनी पोस्ट है उतने गुना बच्चों को सीधा बुला लिया जाएगा डीवी के लिए। लेकिन स्टेशन मास्टर के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए और सीनियर क्लर्क के लिए, इनके लिए क्या होगा, पहले इनके लिए एक स्टेज और है, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर 8 गुना बच्चों को ही भेजा जाएगा, 8 गुना बच्चों को यहाँ पर भेजा जाएगा। फिर यहाँ से जो बच्चे डीवी के अंदर आएंगे उस डीवी के अंदर उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे जितनी पोस्ट है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो नीचे मेरे से कमेंट्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मैथ्स बाय रवि सर, मेरी मैथ्स बाय रवि सर ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें वही आ गई है। देखो इसके अंदर दोनों में स्किल टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट, और स्टेशन मास्टर में आपका सीबीएटी होना है। सेम पेपर होगा, सीबीटी वन भी सब पोस्ट के लिए कोई अलग नहीं होगा, इसके अंदर भी सबके लिए सेम पोस्ट होगा, सेम पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है जो जरूरी थी। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। इसको एक बार अच्छे से डिटेल में अपने एंड पे भी पढ़ लेना ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। एक सर्टिफिकेट का बहुत इशू रहता है, सर्टिफिकेट के लिए मैं इसका देखता हूँ। मेनली जो होता है सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, ध्यान रखना, और रेलवे के फॉर्मेट में चाहिए होता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और जो मैंने बुक्स बताई है उनको एक बार देख लेना। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, तैयारी करते रहिए।